वेलकम बैक टू माई चैनल श्री बी एस बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट्स एक ऐसे टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं जो इस बार आपकी एनटीए की एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th क्लास के चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के इस बार पूछे जाने योग्य मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको 51 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मिलने वाले ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन के बाद में आप वीडियो को पॉज करके अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो कि इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा और देख सकते हो कि आपकी एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कैसी है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो एनसीईआरटी को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर चुके हैं और उनको अभी सेल्फ इवेल्युएशन के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम प्लांट पार्ट्स अदर देन रेडिकल आर। रेडिकल के अलावा रूट्स कहाँ से निकलती हैं, इनमें एग्जांपल में बताना है। पहला है एपिफाइलस, दूसरा है एपिकोलेक्स, तीसरा एडवेंट्रिसियस रूट और चौथे का नाम है फाइब्रस रूट। इसका जो राइट आंसर है वो है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स वो होती हैं जो स्टेम से भी निकल सकती हैं और लीफ से भी निकल सकती हैं। स्टेम से निकलती हैं सुगर केन के अंदर और लीफ के अंदर निकलती हैं ब्रायोफिलम के अंदर, बिगोनिया के अंदर। ये कुछ एग्जांपल हैं। एपिफाइलस जो कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है, पेरियंथ होता है, वो स्टेमन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसका एक एग्जाम्पल है लिली, ठीक है। एपिकोलेक्स एक हाइपो थर्टिकल सिचुएशन है, ऐसा कोई टर्म होती नहीं है। नेक्स्ट है फाइब्रस। फाइब्रस रूट मोनोकोट के अंदर होती है और वो किससे निकलती है, रेडिकल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गॉड्स एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप्ड स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड। एक्सिलरी बर्ड जो स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर से निकलती है वो क्या होगा, थॉर्न होगा, टेंड्रिल होगा, ऑफसेट होगा या सकर होगा। गोल के अंदर हम बात कर सकते हैं कुकरबिटेसी फैमिली के अंदर, जिसके अंदर लौकी है, घिया है, तोरई है, ये आते हैं। उसके अंदर क्या होता है, देखो कुछ ऐसी स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा टेंड्रिल। इसका राइट आंसर होगा टेंड्रिल। इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आपको PDF एज वेल एज क्वेश्चन आंसर की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उससे आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हो वापस देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पेस दिया हुआ है, फिर पूछा है R1 इंटरनोड लॉन्ग रनर यूजुअली फाउंड इन रोचेट प्लांट इन द ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर लेवल के अंदर कौन सा इसके अंदर रनर का एग्जाम्पल है जो लॉन्ग रनिंग करता है, और रोचेट प्लांट होते हैं जो छोटे प्लांट होते हैं उनके अंदर ये बनता है। चार एग्जाम्पल है, ट्रेलर्स, ऑफसेट, स्टोलन्स एंड राइजोम्स। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑफसेट, ठीक है। राइट आंसर ऑफसेट इसका इसलिए है क्योंकि ऑफसेट एक तरीके से स्टेम का टाइप है जिसको हम अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम के चार टाइप थे, एक को हम बोलते थे रनर, एक को बोलते हैं हम सकर, एक को बोलते हैं स्टोलन और एक को बोलते हैं ऑफसेट। इसमें से सिर्फ जो ऑफसेट है वो किसके अंदर होता है, वाटर के अंदर होता है और एक क्लस्टर के रूप में होता है जिसको रोजेट प्लांट भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन पिस्टिया एंड आइकोर्निया स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म। स्टेम मॉडिफाइड होकर क्या बनाते हैं। पहला ऑप्शन है ऑफसेट, दूसरा है टेंड्रिल, तीसरा है स्टोलन और चौथे का नाम है सकर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ऑफसेट। जैसा आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, आइकोर्निया और पिस्टिया किसके एग्जांपल हो गए,
ऑफसेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉप रूट और पिलर रूट इन बैनियन ट्री। एग्जाम्पल है किसमें होगा, फेसिकुलेटेड रूट्स, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और सेकेंडरी रूट। चार ऑप्शन है इसके अंदर, राइट ऑप्शन बताना आपको। राइट आंसर होगा इसका एडवेंटिशियस रूट। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि एडवेंटिशियस रूट वो होती हैं जो रेडिकल के अलावा स्टेम से भी ओरिजिनेट हो सकती हैं और किससे हो सकती हैं, लीफ से भी। तो स्टेम से ओरिजिनेट होंगी, तो स्टेम किसके अंदर, बैनियन के अंदर। स्टेम से जो रूट निकलते हैं, जो प्रॉप रूट बोलते हैं उसे हम, वो एक एग्जाम्पल है किसका, एडवेंटिशियस रूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। इसमें से कौन सा अल्टरनेट फाइलोटेक्सी शो करता है, पहला सनफ्लावर, दूसरा गुआवा, तीसरा है नेरियम और चौथा है केलोट्रोपिस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है सनफ्लावर। ठीक है, बाकी सभी के अंदर डिफरेंट टाइप की फाइलोटेक्सी होती है, सनफ्लावर के अंदर कौन सी होती है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब पहली लीफ और तीसरी लीफ एक सिद में रहेंगी। ठीक है, एक नोड के ऊपर क्या रहेगी, एक ही लीफ रहेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। एक लीफ, ये देखो एक लीफ है जैसे, और ये एक लीफ है, तो ये अलग अलग नोड के ऊपर एक एक लीफ होगी और पहली और तीसरी एक सिद में होगी, दूसरी और चौथी एक सिद में होगी। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है आइडेंटिफाई द ऑर्डर वेयर प्लांट शोज अल्टरनेट ऑपोजिट एंड रोल्ड फाइलोटेक्सी। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको कंटिन्यूसली ये बताना है अल्टरनेट किस में है, ऑपोजिट किस में है, रोल्ड किसके अंदर है। पहला ऑप्शन है चाइना रोज, उसके बाद में कैलोट्रोपिस एंड नेरियम। दूसरा है चाइना रोज, नेरियम, कैलोट्रोपिस। तीसरा है नेरियम, कैलोट्रोपिस, चाइना रोज। चौथा है कैलोट्रोपिस एंड चाइना रोज। ठीक है, मतलब चाइना रोज के अंदर दोनों ही है, लास्ट वाली प्रेजेंट है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर होगा ए, एक नंबर चाइना रोज। चाइना रोज के अंदर होगा अल्टरनेट, केलोट्रोपिस के अंदर होगा ऑपोजिट और रोल्ड किसके अंदर होगा, नेरियम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द पिटियोल एक्सपेंड एंड बिकम ग्रीन सिंथेटिक फूड इन, मतलब ग्रीन सिंथेटिक फूड पार्ट के रूप में काम करता है पिटियोल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, पहला है सोलेनम, दूसरा ऑप्शन है गुआवा, तीसरा है नेरियम और चौथा है इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कैसा होगा, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। इसके अंदर नींबू की तरह क्या होता है, ये जो पिटियोल होता है, ये पिटियोल क्या करता है, फूल जाता है थोड़ा सा इस तरीके से, जिस जहाँ पर ये हो गया इसका लीफ बेस, ये पिटियोल थोड़ा स्वेलअप हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के अंदर मॉडिफिकेशन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पिटियोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन, आपको बताना फाइलोटेक्सी, ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट द ईच नोड एंड लाई ऑपोजिट टू ईच अदर एज इन, प्लांट का नाम बताना। फिर पहला ऑप्शन है अल्टरनेट हिबिस्कस, दूसरा है ऑपोजिट हिबिस्कस, तीसरा है ऑपोजिट केलोट्रोपिस और चौथा है रोल्ड एंड केलोट्रोपिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट एंड केलोट्रोपिस। देखो इन ऑपोजिट फाइलोटेक्स, ये पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट द ईच नोड, इसका मतलब ये एक नोड है, इस एक नोड से क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट क्या निकलेंगी, लीव्स निकलेंगी, एट द ईच अदर। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, केलोट्रोपिस, आंख के अंदर ये कंडीशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज एपिगाइनस प्लांट। इसके अंदर आपको क्या बताना है, एपिगाइनस प्लांट कौन सा है, पहला ऑप्शन कुकुम्बर, तीसरा है, दूसरा है ब्रिंजल, तीसरा है मस्टर्ड और चौथा है इसके अंदर पीच। ठीक है, एपिगाइनस कंडीशन बतानी है आपको इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुकुम्बर। कुकुम्बर के अंदर कौन सी कंडीशन होगी,
एपिगाइनस, इसका मतलब ओवरी के ऊपर से कैलेक्स एंड कोरोला निकलेंगे। जिस तरीके से मान लो ये क्या हो गया, इसका स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। तो जब ये ओरिजिनेट होंगे कैलेक्स एंड कोरोला, तो इसके जस्ट वो अबव रहेंगे, इसलिए अपन इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एपिगाइनस। इसको हम एक कंडीशन और बता सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन्फीरियर ओवरी। क्या बोल सकते हैं, इन्फीरियर ओवरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, मल्टीफोलिएट कंपाउंड लीफ पालमेटली कंपाउंड लीफ इज फाउंड इन। मल्टीफोलिएट पालमेटली कंपाउंड लीफ किसके अंदर होंगी, पहला इसके अंदर है टेमेरिंड, दूसरा सिल्क कॉटन बॉम्बेक्स, तीसरा है मोरिंगा, और चौथा इसके अंदर रोज। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिल्क कॉटन बॉम्बेक्स। बॉम्बेक्स सिल्क कॉटन इसका राइट एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इडिबल स्वोलन पोर्शन एलियन सापा। एलियन सापा के अंदर जो इडिबल खाने योग्य पार्ट है, इडिबल स्वोलन पोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है एरियल स्टेम, दूसरा है अंडरग्राउंड स्टेम, तीसरा इंटरनोड्स, और चौथा है लीफ बेसेज। तो इसका राइट आंसर होगा लीफ बेसेज। लीफ बेस जो काम में लिया जाता है, उसको खाने के काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर हैज। सनफ्लावर के अंदर दो टाइप के फ्लावर बनते हैं, एक तो डिस्क फ्लोरेट्स और एक बनता है रे। तो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर कौन सी कंडीशन होगा, सुपीरियर ओवरी, हाफ इन्फीरियर ओवरी, हाफ सुपीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा इन्फीरियर ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट मैच वन। इसमें इनकरेक्ट बताना आपको, केलोट्रोपिस के सामने दिया वेलवेट, लेडी फिंगर के सामने ट्विस्टेड, केसिया के सामने दिया वेलवेट, और गुलमोर के सामने दिया इम्ब्रिगेट। इसके अंदर ये टाइप बताना आपको एस्टिवेशन का कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केसिया। केसिया क्या इसके अंदर इनकरेक्ट है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, करेक्टली मैच्ड। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एस्टिवेशन बताना है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। इन सभी फिगर को आपको देख के इसका एस्टिवेशन बताना है। इसके चार ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला है वेलवेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट एंड वेक्जिलरी, दूसरा है इम्ब्रिकेट ट्विस्टेड वेलवेट एंड वेक्जिलरी, तीसरा है ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट वेक्जिलरी एंड वेलवेट, और चौथा है ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट वेलवेट एंड वेक्जिलरी। तो आप जब इसके फिगर को देखते हो तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है सामने के सामने पहले वाला। इसके अंदर क्या होगा, पहला होगा वेलवेट। वेलवेट के अंदर क्या, मार्जिन सिर्फ इसके टच कर रहे हैं, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। दूसरे के अंदर क्या हो रहा है, हर एक मार्जिन एक साइड से ओवरलैपिंग कर रहा है, एक और एक को तो ओवरलैप कर रहा है, और दूसरे के क्या है, बिनित है, नीचे है। तीसरे के अंदर एक जो पेटल या सेपल तो पूरी तरीके से बाहर है, एक पेटल या सेपल पूरी तरीके से अंदर है, और बाकी के कौन सी कंडीशन है, ट्विस्टेड में। वेक्जलरी स्पेशल टाइप है जो पेपिलियोनेस फैमिली के अंदर है। इसके अंदर ये क्या है, पूरी तरीके से स्टैंडर्ड है, इसको बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, कील, विंग बोलते हैं विंग, और ये क्या हो गया, कील हो गया। अब इन तीनों के अंदर हम देख सकते हैं अरेंजमेंट क्या होगा, 1 2 2। ठीक है, ये बाहर हो गया, ये दो हो गए, ये दो हो गए। ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेक्जलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर द गिवन रिप्रेजेंट वेक्जलरी एस्टिवेशन। इसके अंदर आपको पी क्यू आर को आइडेंटिफाई करना है। पी क्या है, क्यू क्या है, और आर क्या है। ऑप्शन है पहला पी है स्टैंडर्ड, दूसरा है विंग, तीसरा एला, चौथा है दूसरा है स्टैंडर्ड कील एंड विंग, तीसरा विंग कील एंड कैरिना, और चौथा है स्टैंडर्ड एला एंड कैरिना। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ये वाला फोर्थ नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, सबसे बाहर की ओर पी तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड, उसके बाद में ये क्या हो गया, दो क्या हो गए, ये हो गया विंग, ये हो गए दोनों विंग, एला को विंग भी बोलते हैं,
और ये कील हो गया कैरिना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कील भी बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज नॉट एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री नहीं है इसमें से। पहला ऑप्शन है मस्टर्ड, दूसरा है धतूरा, तीसरा है चिल्ली और चौथा है इसके अंदर पी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पी। पेपिलियोनेसी फैमिली के अंदर कौन सी कंडीशन होती है, जाइगोमॉर्फिक, जबकि यहाँ क्या दी हुई है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक और जो जाइगोमॉर्फिक है इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स रिलेटेड आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख सकते हो। एपिफाइलस कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय, इनमें से एपिफाइलस कंडीशन कौन इंडिकेट करता है। पहला ऑप्शन है सी, सी के साथ में ए अटैच्ड, दूसरा ऑप्शन है ए, ए के साथ जी अटैच्ड, तीसरा है के साथ सी अटैच्ड और चौथा है पी, पी के साथ में क्या अटैच्ड है, ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ नंबर। पी क्या हो गया, पेरियंथ, पेरियंथ की एक यूनिट क्या हो गई, टेपल। टेपल किसके साथ अटैच्ड है, एंड्रोसियम के स्टेमेन के साथ। ये कंडीशन किसके अंदर रहती है प्रेजेंट, लीलियसी फैमिली के अंदर। लीलियसी फैमिली का एक ये स्पेशल कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड कौन से के अंदर होगा। एंडोस्पर्मिक सीड वो होते हैं जिसमें सीड जर्मिनेशन के बाद में भी एक सीड के अंदर क्या बच जाता है, एंडोस्पर्म, उसको एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। पहला ऑप्शन है बीन, दूसरा है ग्राम, तीसरा है पी, चौथा है इसके अंदर कास्ट, ठीक है, कास्ट है इसके अंदर। तो जो राइट आंसर होगा इसके अंदर वो क्या होगा, फोर्थ, कास्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच आउट ऑफ द फॉलोइंग, इन चार में से इनकरेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन है मोनोडेल्फस हिबिस्कस, दूसरा डाइएडेल्फस कुकुरबिटा, तीसरा पोलियोडेल्फस सिट्रस, चौथा सिन जेनेसियस। ये किसके अंदर हो गया, हेलियंथस के अंदर। अब आपको इसके अंदर इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डाइएडेल्फस। डाइएडेल्फस कंडीशन किसके अंदर होती है, फेबेसी फैमिली के अंदर, जिसके अंदर 9+1 अरेंजमेंट होता है, उसको हम डाइएडेल्फस कंडीशन बोलते हैं। ये सारी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन इनकरेक्ट है, बाकी सारी की सारी क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, सिनजेनेसियस कंडीशन ऑफ स्टेमेन इज फाउंड इन द फैमिली, सिनजेनेसियस कंडीशन कौन से में होगी, एस्टेरेसी में, मालवेसी में, क्रूसीफेरी में या लीलियसी के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एस्टेरेसी के अंदर। एस्टेरेसी के अंदर कौन सी कंडीशन होगी, सिनजेनेसियस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मोनोथिकस कंडीशन ऑफ स्टेमेन, प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल एंथर ट्यूब इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली, कौन सी फैमिली का ये फीचर है। तो पहला है कुकरबिटेसी, दूसरा है मालवेसी, तीसरा है एस्टेरेसी और चौथा है ब्रेसिकेसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मालवेसी के अंदर। मालवेसी के अंदर क्या होता है, इस तरीके से पेंटा कार्पल होती है और उस कार्पल के चारों ओर क्या प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे एंथर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोथिकस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फॉल्स, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन क्या है, गलत है। पहला इसके अंदर है एपोकार्पस कार्पल फ्री लोटस एंड रोज, दूसरा है सिन कार्पस कार्पल फ्यूज मस्टर्ड एंड टोमेटो, तीसरा है प्लेसेंटा अरेंजमेंट ऑफ ओविल विद इन ओवेरी और चौथा अरेंजमेंट ऑफ ओविल विद इन ओवेरी इज कॉल्ड ओविलेशन। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको क्या बताना है, फॉल्स जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या हो गया, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो पूरी तरीके से ही फॉल्स है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ ओव्यूल और एग, रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल प्लेसेंटेशन डेवलप्ड व्हेन द ओवरी हैज, ओवरी के पास बेसल प्लेसेंटेशन कब होगा, सिंगल ओव्यूल हो, मैनी ओव्यूल हो, मैनी ओव्यूलोक्यूल्स हो, सिंगल ओव्यूल एंड लोक्यूल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक, सिंगल ओव्यूल। उसके बाद नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, इन कोकोनट मेसोकार्प इज फाइब्रस, एंडोस्पर्म इज एडिबल, बोथ
और फोर्थ है मेसोकार्पिस एडिबल, मेसोकार्पिस एडिबल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, बोथ एंडोस्पर्म इज एडिबल, एंडोस्पर्म काम में लिया जाता है, खाने योग्य होता है, और मेसोकार्प क्या होती है इसकी, फाइब्रस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मेज ग्रेन इज फ्रूट नोन एज, मेज ग्रेन का जो फ्रूट है उसको हम क्या बोलते हैं, पहला ऑप्शन है सिप्सेला, दूसरा है कैरियोप्सिस, तीसरा है लेग्यूम, चौथा है थैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कैरियोप्सिस, ठीक है। तो जो मोनोकोट्स होते हैं उसके अंदर जो फ्रूट है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। यहाँ मोनोकोट के रूप में किसको लिया गया, मेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है मोनोकोटिलेडन सीड्स पजेजेज सिंगल कोटिलेडन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई, उसको हम किससे बताते हैं, मोनोकोट सीड्स जितने भी होते हैं उसमें हम उसका जो कोटिलेडन है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा, पहला ऑप्शन है इसके अंदर टेगमेन, दूसरा है एंडोस्पर्म, तीसरा स्कूटेलम और चौथा है एल्यूरोन। तो इसका राइट आंसर होगा स्कूटेलम। उसके बाद में 28 मेज द फॉलोइंग, आपको कॉलम ए दिया कॉलम बी दिया हुआ है, इसको मैच करना है किस तरीके से। पहला कॉलम ए के अंदर है कस्कुटा, उसके बाद में राइजोफोरा, तीसरा वेंडा और चौथा है पेंडेनस। कॉलम बी के अंदर हाइग्रोस्कोपिक रूट, दूसरा है स्टिल्ट रूट, तीसरा है होस्टोरियल रूट और चौथा है रेस्पिरेटरी रूट। इसी के अकॉर्डिंग आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसके अंदर राइट आंसर बताना है, और इसका राइट आंसर होगा कौन सा, राइट आंसर होगा इसका बी। तो ए के अंदर क्या आएगा, तीन आएगा, एक के अंदर क्या आएगा, तीन। ओ इसके अंदर कस्कुटा क्या है, स्टेम पैरासाइट है, जिसको इसके अंदर होस्टोरिया प्रेजेंट होती है, जिससे वो जिस स्टेम के ऊपर सर्वाइव करती है उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर लेती है। उसके बाद में बी के अंदर क्या आएगा, चार। राइजोफोरा के अंदर क्या होगा, ऑप्शन रेस्पिरेटरी रूट, क्योंकि ये प्लांट मैग्रोव स्पीसीज है और ये जो मार्सी एरियाज होते हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की स्केयरसिटी रहती है सोयल के अंदर, इसलिए इनकी रूट्स क्या हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। सी के अंदर क्या होगा, वेंडा, और वेंडा क्या होगा, एक हाइग्रोस्कोपिक रूट हो गया, जो वेलामेन नामक एक टिश्यू होता है उससे एटमोसफियर की जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्व करता है। और डी के अंदर क्या होगा, पेंडेनस के अंदर कैसे कौन सी रूट हो गई, स्टिल्ट रूट, जो आपको मेज के अंदर भी देखने को मिलती है, जो इसको सहारा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल डिनोट्स प्रेजेंस ऑफ टेपल एंड एपिपेलस स्टेमेन इन फ्लावर। इसका जो पहला ऑप्शन है के साथ अटैच है ए, पी के साथ अटैच है ए, सी के साथ अटैच ए और जी के साथ अटैच है ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो गया, बी। द पेरियंथ किसके साथ अटैच है, स्टेमेन के साथ में, ठीक है। 30 क्वेश्चन है इन कास्टर द फूड स्टोरेज टिश्यूज, कास्टर के अंदर फूड स्टोरेज टिश्यू क्या है, पहला ऑप्शन है कोटिलेडन, दूसरा है एंडोस्पर्म, तीसरा है टेस्ट और चौथा है टेगमेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लोरल फैमिली हैज़ 9+1 अरेंजमेंट ऑफ एंथर इन एंड्रोसियम, पहला ऑप्शन है मालवेसी, दूसरा है रोटेसी, तीसरा है फेबेसी और चौथा है केजल पिनेसी, सीजल पिनेसी भी बोलते हैं जिसे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा फेबेसी, फेबेसी के अंदर कौन सा अरेंजमेंट होता है, 9+1, इसको पेपिलियोनेसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 32, सिनकार्पस हाइपोगेमस हाइपोगाइनस ट्राइलोकुलर ओवरी एंड एग्जाइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, इन चार फैमिली में किस में से ये कंडीशन होगी, पहला लेलियसी, दूसरा कुकरबिटेसी, तीसरा रेनन कोलेसी और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लेलियसी फैमिली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 33, स्टेम मॉडिफाइड इनटू ग्रीन फ्लैटेंड ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ एसिमिलेटरी फंक्शन इज, इसके अंदर बता रखा है कि स्टेम किस में मॉडिफाइड हो गया, ग्रीन फ्लैटेंड ब्रांच अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ एसिमिलेटरी, जो फूड को एसिमिलेशन करेगा उसका काम कौन करता है, पहला ऑप्शन फाइलोड, दूसरा है फाइलोक्लेड, तीसरा है क्लेडोड और चौथे का नाम है बुलबिल। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो क्या होगा, फाइलोक्लेड। तो यूफोरबिया है इसके अंदर कौन सी कंडीशन होती है, फाइलोक्लेड, इसके अंदर स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है किसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर, जिससे वो क्या करता है, जो एसिमिलेशन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील इज ऑब्टेंड फ्रॉम, नील एक
फैबेसी फैमिली का एक एग्जांपल है। इसको किससे ऑब्टेन करते हैं? क्रोकस सेटाइवस, हिमेटोजाइलोन कॉम्प्रे साइनम, इंडिगो फोरा टिंक्टोरिया एकोनेटम हिटेरोफाइलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडिगो फोरा टिंक्टोरिया। फिर 35 क्वेश्चन, फ्लोरल विथ मोनोडेल्फस कंडीशन एंड पेंटा कार्पेलरी ओवरी आर प्रेजेंटेड इन। मोनोडेल्फस और पेंटा कार्पेलरी बताना आपको। पहला है चाइना रोज फैमिली, दूसरा पी फैमिली, तीसरा पोटेटो फैमिली और चौथा युका फैमिली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चाइना रोज फैमिली। 36 क्वेश्चन है, साइमोस इनफ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। साइमोस इनफ्लोरेसेंस किस में होगा? पहला ऑप्शन है ट्राइफोलियम, दूसरा है ब्रेसिका, तीसरा है सोलेनम और चौथा है सेसबेनिया। इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा सोलेनम। साइमोस कौन सी के अंदर कंडीशन होगी? इनके अंदर। बाकी सभी के अंदर कौन सी कंडीशन है? रेसिमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लावर आर जाइगोमोर्फिक। फ्लावर जाइगोमोर्फिक किस में है? डटूरा के अंदर है या मस्टर्ड के अंदर है, गुलमोहर के अंदर है या फिर टोमेटो के अंदर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी, गुलमोहर के अंदर। बाकी सभी कौन सी कंडीशन है? एक्टिनोमोर्फिक। कोलची सीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम द मेंबर ऑफ। कोलची सीन जो एक प्लांट जिसका नाम कोलचिकम ऑटोमनेल है उससे ऑब्टेन किया जाता है। पॉलीप्लर्डी को ये इंड्यूस करता है। ये चारों में से कौन से फैमिली से ऑब्टेन किया जाता है? पहला है सोलेनेसी, दूसरा है लेलियसी, तीसरा फेबेसी और चौथा है ब्रेसिकेसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेलियसी। लेलियसी फैमिली का एक एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39 की। इसके अंदर क्या बता रखा है? गाइनोसियम के एक नीचे एरो लगा रखा है एंड गाइनोसियम के एक एरो कहाँ लगा रखा है? ऊपर की ओर। क्या इंडिकेट करता है ये? पहला ऑप्शन है एपिगाइनस एंड हाइपोगाइनस फ्लावर, दूसरा सुपीरियर ओवरी एंड इन्फीरियर ओवरी, तीसरा प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ गाइनोसियम, चौथा फ्यूज एंड फ्री गाइनोसियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी। ठीक है, सुपीरियर ओवरी है ये और ये कौन सी ओवरी होगी? इन्फीरियर ओवरी। क्वेश्चन नंबर 40 है, द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन द फ्लावर। कौन से के अंदर ओवरी कैसी होगी? हाफ इन्फीरियर होगी। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है गुआवा, दूसरा है पीच, तीसरा है कुकुम्बर और चौथा है कॉटन। तो पीच है, पल्म है, इन सभी के अंदर कौन सी होती है? हाफ इन्फीरियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पीच। ये क्वेश्चन है अलग से थोड़ा सा दिया गया है आपकी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए। परजिस्टेंट कैलेक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट बिलोंग्स टू। परजिस्टेंट कैलेक्स, जो कैलेक्स बचा हुआ रह जाता है फ्रूट बनने के बाद में भी, वो कौन सा एग्जांपल है? पहला सोलेनेसी, दूसरा मालवेसी, तीसरा क्रूसीफेरी और चौथा एस्टेरेसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोलेनेसी। आपने ऐसा देखा होगा टमाटर के अंदर जो पूरा फ्रूट बन जाता है उसके बाद में भी कैलेक्स उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परजिस्टेंट कैलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, फाइलोड इज प्रेजेंट इन। फाइलोड का क्या एग्जांपल है? उसके अंदर आता है पहला ऑप्शन एस्पेरेगस, दूसरा यूफोर्बिया, तीसरा ऑस्ट्रेलियन अकेसिया और चौथा है ओपेंसिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? फाइलोड प्रेजेंट होता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, बनाना इज ए वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड बाई। बनाना वेजिटेटिवली प्रोपोगेट किससे होता है? ट्यूबस से, राइजोम से, बल्ब से या फिर फाइलोड से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइजोम। टेट्राडाइनेमस कंडीशन अकर इन। टेट्राडाइनेमस कंडीशन किस में होगी? क्रोसीफेरी के अंदर होती है या मालवेसी के अंदर, सोलेनेसी के अंदर या लीलियसी के अंदर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टेट्राडाइनेमस होता है क्रूसीफेरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 44 की, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ डिफल पोर्शन इन। प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों खाने योग्य की किस में होती है? एप्पल में होती है, बनाना में होती है, टोमेटो में होती है या फिर पोटेटो में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो किसका होगा? टोमेटो। नेक्स्ट है बाइकार्पेलरी गाइनोसियम एंड ओब्लिक ओवरी अकर इन। ये क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम में पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है इसके अंदर मस्टर्ड, दूसरा है बनाना, तीसरा है पाइसम और चौथा है ब्रिंजल। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ब्रिंजल। सोलेनेसी का फैमिली का सबसे बेस्ट एग्जांपल ओब्लिक ओवरी, 45 डिग्री पे उसकी ओवरी सिचुएटेड रहती है। 46 है, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में होता, किससे होता है, पहला ऑप्शन बुलबिल, दूसरा है रनर, तीसरा राइजोम, चौथा है ऑप्सिट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राइजोम। 47 है, कील इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फ्लावर ऑफ, कील किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, एलोई के अंदर रहता है, टोमेटो के अंदर रहता है, ट्यूलिप के अंदर रहता है या फिर इंडिगो फोरा के अंदर रहता है। एलोई किससे रिलेटेड हो गया, लीलियसिस से। उसके बाद में ये हो गया टोमेटो, हो गया सोलेनेसिस है, ये लीलियसिस हो गया, और ये किससे हो गया, फेबेसिस है। तो इसका राइट आंसर होगा इंडिगो फोरा, क्योंकि फेबेसिस है, फेबेसिस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, कील। 48 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन, ट्राई कार्पेलरी है और जुड़े हुए हैं सारी कार्पल, उसको सिन कार्पस बोलते हैं, वो किस में बनेगा। ऑप्शन ए है लेलियसी, बी है सोलेनेसी, सी है फेबेसी और डी है पोएसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लेलियसी। 49 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन, इसमें स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन सा नहीं है, पहला है पिक्चर ऑफ नेपेंथिस, दूसरा है फाइलोड्स, तीसरा है फाइलोक्लेड्स और चौथा है स्केल्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पिक्चर ऑफ नेपेंथिस, क्योंकि इंसेक्टिवरस प्लांट है, बाकी सारे के सारे मॉडिफिकेशन किसके हैं, स्टेम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, आपको एक डायग्राम दिया गया है मोनोकोट का और दूसरा भी मोनोकोट का डायग्राम है, इसमें आपको ए बी ए सी डी और ई को रिप्रेजेंट करना है कि ये कौन कौन से स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसके अंदर ए एंडोस्पर्म, बी एम्ब्रियो, सी स्कोटोलेडम और छोटा कोलियोराइजर, ई क्या है इसके अंदर, कोलियोटाइल। दूसरा ऑप्शन है ए एम्ब्रियो है, बी एंडोस्पर्म है, सी स्कोटोलेडम है और चौथा इसके अंदर कोलियोटाइल है। तीसरा ए एंडोस्पर्म, बी है एम्ब्रियो, सी स्कोटोलेडम, डी है कोलियोटाइल, ई कोलियोराइजा। फोर्थ इसके अंदर है ए एम्ब्रियो, बी एंडोस्पर्म, सी स्कोटोलेडम और डी कोलियोराइजा और ई क्या है, कोलियोटाइल। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, सी। ए क्या होगा इसके अंदर, एंडोस्पर्म, ये क्या हो गया, एंडोस्पर्म हो गया। ठीक है, ये तो क्या हो गया इसके अंदर, एंडोस्पर्म। बी क्या हो गया इसके अंदर, एम्ब्रियो। ठीक है, ये बी हो गया क्या, एम्ब्रियो। उसके बाद में सी क्या हो गया इसके अंदर, ये सी क्या हो गया, स्कोटोलेडम। डी क्या हो गया इसके अंदर, कोलियोप्टाइल, ये क्या हो गया, कोलियोप्टाइल। ई क्या हो गया इसके अंदर, कोलियोराइजा। ठीक है, ई क्या हो गया, कोलियोराइजा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की इस सीरीज की। 51 है, द प्लांट बिलोंगिंग्स टू फैमिली सोलेनेसी इज रिप्रेजेंटेड बाई फ्लोरल फॉर्मूला, इसमें आपको चार फ्लोरल फॉर्मूला दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि सोलेनेसी से कौन सा रिलेटेड है। ये पहला ऑप्शन है इसके अंदर, इसके अंदर कौन सा साइन दिया गया है, ये प्लस का साइन जो इस सर्कल के अंदर क्लोज है। दो तरीके की कंडीशन होती है, एक को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और एक को बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, तो जो जाइगोमॉर्फिक होता है उसको हम परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। ये कंडीशन होगी बाइसेक्सुअल, इसके अंदर कितने नंबर है, 5 नंबर है, केलेक्स के, कोरोला के 5 हैं, एंड्रोशियम के 5 हैं, गाइनोशियम के 2 हैं, इन्फीरियर कंडीशन है ये। इस तरीके से दूसरा ऑप्शन है, आप इसको देख सकते हो, ये ऑप्शन थर्ड है और ये ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ है। तो आपको इसके अंदर बताना राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोलेनेसी फैमिली के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया इसके अंदर, ये हो गया सी। इसको डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है कि ये जो कंडीशन है सिर्फ आपको किस में मिलेगी, सोलेनेसी में। क्यों, क्योंकि सोलेनेसी के अंदर जो पेटल होता है वो किसके साथ जुड़ा हो रहता है, एंड्रोशियम के साथ। बाकी सोलेनेसी के अंदर आता है एस, तो बाकी सारे के सारे जो नंबर हैं वो क्या मिलेंगे आपको, 5 मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, सोलेनेसी, लीलियसी और फेबेसी से रिलेटेड ट्रिकी वीडियो है, जिससे आप पूरी तरीके से इन तीनों फैमिलीज को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, इसलिए चैनल के साथ कंटिन्यू रहिए। थैंक यू सो मच।